नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें जो रोटेटिंग मशीन होती है, उसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटर, जो एक स्टेशनरी पार्ट होता है, और दूसरा होता है रोटर, जो एक रोटेटिंग पार्ट होता है। उसी प्रकार से इस रोटेटिंग मशीन में दो मुख्य वाइंडिंग होती हैं, एक को हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो जानते हैं कि इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये एक ऐसी वाइंडिंग है जिसका प्रयोग हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, और जो लोड के साथ चेंज नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें आर्मेचर वाइंडिंग की, यह एक प्रकार से मेन करंट कैरिंग वाइंडिंग होती है, जिसमें हम ईएमएफ और रोटेशन के काउंटर ईएमएफ को प्रोड्यूस करते हैं। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये एक ऐसी वाइंडिंग है जहां से हमें आउटपुट मिलती है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है, एक दूसरे से कैसे अलग अलग होती हैं। फील्ड वाइंडिंग के केस में जो करंट होता है, उसको हम फील्ड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट कहते हैं, और जो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट होता है, उसको हम आर्मेचर करंट कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट का यूज़ किया जाता है, जबकि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं, और एक प्रकार से ये लेमिनेटेड होती हैं, क्योंकि इसमें हमें एडी लॉसेस को कम करना होता है, इसलिए ये थोड़ा लेमिनेटेड होती हैं। और जो फील्ड वाइंडिंग है, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, वो मेनली जो लोकेशन है जो वाइंडिंग की, वो डिपेंड करती है हम किस टाइप की मशीन का प्रयोग करते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर और जनरेटर को, तो उस केस में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर पर होती है, और जो फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर पर होती है। वैसे तो एक प्रकार से फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर वाइंडिंग बोला जाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग को जो रोटर वाइंडिंग में इसको बोला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर की, तो उस केस में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वह स्टेटर पर होती है, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह रोटर पर होती है। अगर हम बात करें फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड कोयल होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग में जो ये आर्मेचर जो कोयल हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं, फील्ड वाइंडिंग के केस में जो ये वाइंडिंग हम करते हैं जिस वायर से, ये कॉपर की बनी होती हैं। और कॉपर, जिसका हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो रजिस्टिविटी है वो कम होनी चाहिए, ताकि जो फील्ड कोयल के द्वारा जो पावर कंज्यूम होती है उसको हम कम कर सकें। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस वेस्ट हीट को भी हमें कम करना होता है, क्योंकि ओमिक हीटिंग के कारण ही हीट हमारी प्रोड्यूस होती है। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, तो उस केस में जो वाइंडिंग है हमारी फेलियर हो सकती है, तो इसलिए हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। कॉपर वायर की जगह अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो हम एल्यूमिनियम वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बेटर मटेरियल चाहिए कॉपर के मुकाबले, कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में हम सिल्वर वायर का भी यूज कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जो सिल्वर है वो कॉपर से ज़्यादा कॉस्टली होता है, और जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर से सस्ता होता है। उसके बाद अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें, इसमें भी जो आर्मेचर वाइंडिंग के दौरान जो हम वायर यूज़ करते हैं, वो कॉपर की भी बनी हो सकती हैं और एल्यूमिनियम की भी बनी हो सकती हैं। जो कॉपर वायर होती हैं वो हमें इलेक्ट्रिकल जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हमें देती हैं। उसका मेन कारण होता है कॉपर की हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हमें लाइटर वाइंडिंग चाहिए, कम एक्सपेंसिव वाइंडिंग चाहिए, तो उस केस में हम एल्यूमिनियम वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है पावर रेटिंग की। पावर रेटिंग की अगर हम बात करें, आर्मेचर वाइंडिंग के केस में जो पावर रेटिंग होती है वो मशीन की जो पावर रेटिंग होती है उसके बराबर ही रहती है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग के केस में जो पावर रेटिंग है वो ऑलमोस्ट जो मशीन की पावर की जो रेटिंग होती है उसका 2% वो होती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ,
और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।